आप सभी देख रहे हैं एक और कॉन्सेप्ट। मैं पुष्पेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग यहां पे राजस्थान अध्ययन का भाग एक, जो कि सभी कंपटीशन एग्जाम में के लिए यूज़फुल है, हम लेक्चर सीरीज़ हम उसकी स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक हमने हमारा चैप्टर वन में काफ़ी सारी चीज़ें कवर करी हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप पहले वो लेक्चर्स कवर अप करिएगा। राजस्थान में कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में कोई से भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, या तो वो रीट के लिए हो, पटवारी के लिए हो, या आरएस के लिए हो, आपको पहले राजस्थान अध्ययन के चारों भाग कवर अप करनी चाहिए। हम यहाँ पे बहुत ही फास्ट रिवीजन कर रहे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं, नहीं पढ़े हैं राजस्थान अध्ययन की किताबें, तो ये रिवीजन कोर्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो फिर हमारा जो आज का लेक्चर है चौहान वंश, उसके बारे में हम चालू करते हैं। तो चौहान वंश, थोड़ा बहुत हमने पहले भी चौहान वंश के बारे में पढ़ लिया था। इनकी खूब सारी शाखाएँ हुई, अजमेर के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, अण्णोराज हुए और वहाँ के पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिन्होंने महमूदपुरी के खिलाफ युद्ध लड़ा था। ठीक है, और वो चीज़ हमने पढ़ चुके हैं, तो उसके बारे में वापस हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, इतना हमें पता होना चाहिए कि जयानक ने पृथ्वीराज विजय की रचना करी थी। तो पृथ्वीराज विजय की रचना जयानक के द्वारा करी गई थी, वहीं पृथ्वीराज रासो की लेखक चंद्र बरदाई थे। तो पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक और चंद्र बरदाई किसके? पृथ्वीराज रासो के। ठीक है, तो चौहानों के अलोक इस वंश की और स्थापना हुई। रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंदराज ने करी थी। यहाँ के प्रतापी राजा हुए हम्मीर, महाराणा हम्मीर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हुए थे। इन्होंने जलालुद्दीन खिलजी के खिलाफ में युद्ध किया था। ठीक है, खिलजी ने यहाँ पर आकर आक्रमण किया और किला नहीं जीत पाया, तो फिर यहाँ के जो सेनापति थे उसको अपनी ओर मिला लिया, और तब जाके वो युद्ध हुआ और हम्मीर से जीत पाया, और उसी युद्ध में हम्मीर की वीर गति को प्राप्त हुए और उनकी रानियों ने जौहर किया था। ठीक है, हम्मीर की रानी रंगा देवी और पुत्र ने जौहर व्रत द्वारा अपने धर्म की रक्षा करी थी, और जिसे राजस्थान का प्रथम जौहर माना जाता है। ठीक है, कौन सा दुर्ग है ये? रणथंभौर के अंदर सवाई माधोपुर में रणथंभौर है, वहीं पे हमको यह दुर्ग, हम्मीर का दुर्ग देखने को मिलता है। ठीक है, हम्मीर के बारे में एक प्रसिद्ध वाक्य है, क्या है? तीरिया तेल हम्मीर हट चढ़े ना दूजी बार। ठीक है, चौहानों की एक तीसरी शाखा हुई जो कि जालौर के अंदर विकसित हुई। जालौर का नाम जाबालीपुर था और यहाँ का जो किला है उसका नाम सुवर्णगिरी मिलता है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि जैसलमेर में भी एक दुर्ग है, वो भी सोने से मिलकर जुलता ही नाम है उसका भी। ठीक है, और जालौर वाले का क्या है? सुवर्णगिरी। ठीक है, और जिसको अपभ्रंश में सोनगढ़ कहते हैं। ठीक है, इसी पर्वत के नाम से चौहानों की शाखा को सोनगरा शाखा कहलाई। ठीक है, इसमें और इतना इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं इतना ज़्यादा। ठीक है, इसके बाद में हाड़ौती के अंदर अगर बात करें, तो हाड़ौती में चौहान वंशीय हाड़ा राजपूतों का अधिकार था। ठीक है, इस एरिया पर जो हाड़ौती का एरिया है, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, पहले यहाँ पर मीणाओं का राज था, बाद में हाड़ाओं ने इसको अपने अधीन ले लिया था। तो राव देवा ने मीणाओं को परास्त कर 1241 में बूंदी राज्य की स्थापना करी थी। बूंदी के प्रसिद्ध किले का नाम तारागढ़ है, जिसको बरसिंह हाड़ा ने निर्माण कराया था। ठीक है, यह अपने भित्ति चित्रों के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है, और यहाँ पर हमको 84 कंभों की छतरी, जो कि छत्रुसाल हाड़ा का स्मारक है, प्रसिद्ध चीज़ है, देखने को मिलती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है 84 कंभों की छतरी हमको कहाँ पर देखने को मिलती है, जो कि बूंदी में उपस्थित है। फिर इसी के साथ में 1658 में शामूगढ़ के युद्ध में औरंगजेब के विरुद्ध शाही सेना की ओर से लड़ता हुआ मारा गया था। कौन? छत्रुसाल हाड़ा। उसी की याद में 84 खंभों की छतरी बनाई गई थी। और बस इतना ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा तो हम इनके डिटेल में जब आगे के हमारे भाग 3-4 आएगा उसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक पुराने जो हमने राठौड़ वंश, गुहिल वंश, सिसोदिया वंश नहीं पढ़े हैं, वो नहीं पढ़े हैं, तो प्रीवियस चैप्टर्स आप
पूरा कंप्लीट करिएगा। ये लेक्चर सीरीज़ आपको कैसे लग रही है, अपने व्यूज़ हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। आज के लेक्चर के लिए इतने ही, थैंक यू सो मच।